हिना कुक एंड ब्यूटी में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी तहारी, आप देखना आपको पसंद आएगी, बहुत अच्छी बनी। और 20 किलो की बनाए थे हमने, अगर आपको पसंद आया तो देखना। 20 किलो चावल और इसमें 15 किलो बकरे का गोश्त डाले थे। इसको बनाने का तरीका, इसमें 5 किलो तक कांदा काट लिए थे हमने और 5 किलो टमाटर लिए थे, उसको भी काट लिए थे अच्छे से बारीक बारीक। 1 किलो मिर्ची लिए थे हरी वाली, उसको भी अच्छे से साफ करके धो के। कोतमीर, पुदीना एक गड्डी, कोतमीर की एक बड़ी गड्डी, दोनों भी हमने बारीक काट लिए हैं साफ़ करके उसको अच्छे से। और 20 नींबू ले लिए हैं बड़े वाले, अच्छे मीडियम साइज़ के। और गरम मसाला है उसमें, दालचीनी है, काली मिरी है, लौंग है, शाजीरा है, ये सब हम ले लिए। और गोश्त 15 किलो है बकरे का, इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं, अच्छे से धो देना है उसको। इसको बनाएंगे हम, इसमें तेल लेते हैं सबसे पहले। आप जितना तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जैसा लगे, हम इसमें डाल रहे हैं। और मिर्ची को हम बारीक पीस लेंगे अच्छे से, उसका पूरा बैटर बना लेंगे मिर्ची को। और गरम मसाले को भी हम बारीक पीस लेंगे। और अदरक लहसुन हमने ले लिए हैं 1 किलो के करीब, उसको अच्छे से पीस लिए थे हमने 1-1 किलो। और हम उसमें अभी तेल डालते हैं, जैसा भी आप तेल पसंद करते हैं, और कोई ज़्यादा खाता कोई कम। हम 1.5 किलो के जितना तेल ले लिए थे। और उसमें हम सबसे पहले कांदा डालेंगे और उसको नमक डालकर फ्राई करेंगे अच्छे से। उसको अच्छा थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है, से हो जाएगा। उसमें नमक डालेंगे तो जल्दी हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे, काली मिर्च पत्ता वगैरह, और उसको थोड़ा सा शाजीरा, और उसको अच्छे से भूनेंगे। फिर अदरक लहसुन जितना है उसमें छोड़ देंगे, अदरक लहसुन भी अच्छे से मिला लेते हैं। पूरा अच्छे से मिला लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा नमक हम जायके अनुसार थोड़ा सा और डालते हैं, जिसमें हम अदरक लहसुन डाले और मिर्ची जो हमने पीस के रखे थे उसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। हैदराबादी बिरयानी है थोड़ी, इसमें खटास ज़्यादा होती है लेकिन बहुत अच्छी रहती है, आप बनाना और बहुत अच्छी लगेगी। तहारी बोलते हैं इसको। एक पैकेट हमने छोटा वाला धनिया का पाउडर, ये हल्दी का पाउडर डाले थे इसमें। और अखा डाल देंगे और एक मिर्ची का पाउडर 1.25 किलो वाला हमने अभी डाले हैं, और उनको भी अच्छे से भून देंगे। और गोश्त को हम डाल कर पूरा मिला लेंगे अच्छे से, और उसको भी भूनेंगे अच्छे से। भून लेते हैं मसाला लगने तक उसको, तो इसमें थोड़ा नमक कम है, नमक डाल देंगे। उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम उसको ढक देंगे गोश्त गलने तक, अच्छे से गोश्त गल जाएगा। तो फिर हम उसको निकाल कर और एक पैकेट लाल मिर्ची का डाल देंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे।
जितना भुनेंगे उतनी अच्छी तहारी बनेगी। उसमें कोथमीर है, पुदीना, हम उसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे और ढक देंगे। गोश्त नहीं गला हो तो गल जाएगा। और उसमें जो गरम मसाला पीस के रखे थे वो भी डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम दही डालेंगे 1 किलो जितना, उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। दही का भी पानी छूटेगा, उसको भी अच्छे से मिलाकर फिर जो हमने 5 किलो टमाटर काट के रखे थे उसको भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर कोथमीर पुदीना जो हमने और रखे थे उसको डाल देंगे। हमने कोथमीर पुदीना और डाल दिए हैं और गरम मसाला जो बचा था बाकी का वो भी पूरा डाल दिए हैं और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा भूनेंगे उसको, अच्छे से भूनने के बाद में उसको ढक देंगे, टमाटर गल जाएगा। और हमने चावल लिए थे उसको भी धो के साफ़ कर लेंगे 20 किलो, उसको भी अच्छे से साफ़ करके रख देंगे। उसके बाद में गोश्त गला के देखेंगे और अच्छे से उसको भूनेंगे। उसमें नमक कम है तो डाल देंगे हम उसको, नमक वगैरह चेक कर लेंगे, कम था तो हमने डाल दिए और अच्छे से भुनेंगे। जितना भुनेंगे उतनी अच्छी तहारी बनेगी। अब चेक करें। उसके बाद नींबू का रस था जो हमने 20 नींबू लिए थे उसका रस हम डाल देंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे। इतना भुनेंगे उतनी अच्छी तहारी बनेगी। फिर उसके पानी छोड़ देंगे उसमें जितना पानी उसको चाहिए चावल के लिए, उतना पानी हम डाल देंगे। तेज़पत्ता वगैरह भी डाल देंगे और उसको अच्छा मिला लेंगे। उसको बंद कर देंगे। उसके बाद वो उठ जाएगा पानी। उसके बाद में उसमें चावल आहिस्ता आहिस्ता हम चावल डालेंगे, छन्नी से छान छान के, छान छान कर हम चावल डालेंगे। अच्छा मिला लेंगे। अच्छा मिलाने के बाद में हम उसको ढक देंगे। जब अच्छा सा पानी सूख जाएगा, थोड़ा सा बाकी रहेगा 1 कनी, तो हम उसको कपड़ा लगाकर और उसको ढक देंगे और उस पर वज़न रख देंगे। तहारी तैयार हो जाएगी। देखना बहुत अच्छी बनी थी, आप बनाकर ज़रूर देखना खाना। और आपके यहाँ दावत अगर है तो आप ज़रूर बना सकते हैं घर में भी। शेयर करना, कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।